Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. IMFO, World Bank, Asian Development Bank, unko pata hai ke wafaq mein baithe hukmaran chor hain. डाकू है, मनी लॉन्डर है, उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है. yes. उन अदारों को पता है, उन मुल्कों को पता. आज ये केस माफ करवा के समझते कि नहा धो के आगे इधर पीछे आइयो, नहा आइयो, आओ इधर अपना कर लो, बिल्कुल नहा लो, ना इकट्ठे हो जाएंगे, आओ इधर. और फिर ये अवाम कैसी तरह खून चूसेंगे, ये सब खून मारेंगे. इन्हें सब खून मारने की पुरानी आदत है. इन दो खानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है. पचासी से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है. इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था. मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही. इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है. इनका इलाज बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनकी औलादे बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है. हमारे ऊपर अगर आजादी की कीमत देके इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी. हमें पता तो था कि ये गोरे हैं. ये बाहर से आए हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी लड़े. पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए. दो खानदान का एहसास नहीं क्या? कौमी असेंबली के अंदर नैब की जितनी भी अमेंडमेंट थी, क्या इन्होंने ये अमेंडमेंट की कि गरीब आदमी मुश्किल में है उसके लिए करते हैं, कोई उसके लिए कोई तरमीम करते हैं कि उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा? गुनाह बुक्सवाने के लिए नैब की तरमीम की है. FIA के अफसरों को फारिग कर दिया है, कई दुनिया में नहीं रहे, कईयों को दुनिया से भगा दिया. काबिल थे तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बा का टीम है, और तुम्हारी तजर्बा का टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं, अवाम की दो वक्त की रोटी छीन ली है. तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो. तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक भ्रूणी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बनाकर रख दिया है. पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा तुमने, सिर्फ अगर सोचा है अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है. तुम लोगों ने यह नहीं सोचा अपोजिशन ने और वफाक में बैठी हुकूमत ने कि गरीब आदमी जिसको दो वक्त की रोटी चाहिए तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है. No.
और तुम्हारी औलादे अरबों खरब रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं, समंदर पीकर भी इनके लब खुश के जनाब स्पीकर। हमारे वक्त में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी, इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत 150 रुपया रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें 250 रुपए है। क्या ये आवाम का रिलीफ दे रहे हो? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते, ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं, मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, केपीके के अंदर ये बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये अमरीकी नवाज हुकूमत है। थोड़ा पीछे ना लाइए ना भाई, अरे बेटे इधर साथ आ भाई के। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, ये सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दस को पमाल किया जाता है, मजरूह किया जाता है। क्या आप समझते हैं अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है, अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इख्तदार की आपको कदर करना पड़ेगी, आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालाता रहे। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता? 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतजार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button.
Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.